हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सरकार के द्वारा जो संविदा कर्मी हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा और बहुत कठिन फैसला लिया गया है। उनके नियुक्ति से लेकर उनके काम करने तक में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वीडियो से जुड़ी और बेल्ट्रॉन से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, क्या क्या बदलाव किए गए हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों, राज्य में यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर और संविदा पर जो कर्मचारी बहाल होंगे वो सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और उनको दोस्तों एक माह की नोटिस और मान्य देकर उनकी नौकरी जा भी सकती है। ये अब बदलाव किए गए हैं। जैसे और भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं दोस्तों, जैसे कि प्रोजेक्ट की जब तक अवधि रहेगी, यानी जब तक कोई प्रोजेक्ट के लिए जब अगर आपकी बहाली होती है तो वो बहाली आपकी उस प्रोजेक्ट तक ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। ये भी अब रूल नया बनाया गया है। और दोस्तों, जो नियमित नियुक्ति का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब वोल्टेज पे दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों हर साल आपको कुछ अंक मिलेंगे आपके कार्य को देखते हुए। जैसे कि दोस्तों, एक वर्ष में अगर आपका जब कार्य देखा जाएगा तो आपको अधिक से अधिक 5 अंक दिए जाएंगे। ऐसा करके आपको 25 अंक हासिल करने होंगे, उसके बाद आपको नियमित करने पर विचार किया जा सकता है। और दोस्तों, आपको एक और बात दोस्तों, आपकी अगर ऐसा मृत्यु होती है जो आपके कार्य करते दौरान आपकी मृत्यु होती है तो आपको 4 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। और दोस्तों, आपके स्थान पर किसी और की नियुक्ति नहीं होगी, यानी कि आपके फैमिली मेम्बर से किसी की नियुक्ति नहीं होगी। दोस्तों, आप काम तो सरकारी ही करेंगे लेकिन आपको सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी। यानी जैसा कि दोस्तों आप मान सकते हैं कि आप काम करेंगे सरकार का लेकिन आपको सरकारी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी इस नौकरी के दौरान, यानी कि संविदा पर और कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली के दौरान अब ऐसा रूल बना दिया गया है। अगर दोस्तों नियमित नियुक्ति में लेट होने पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद विज्ञापन निकाल दी जाएगी बहाली की। जैसे कि जो नियमित नियुक्ति होती है उसमें अगर लेट होती है तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद विज्ञापन निकाल दिया जाएगा बहाली के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट पे आधार पर बहाली के नियमित नियुक्ति वाली अहाताएँ ही लागू की जाएगी और नियोजकता और कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल व्यक्ति के बीच एग्रीमेंट होगा जिसमें सभी शर्तें लिखी होंगी कि आप सरकारी कर्मचारी होंगे लेकिन आपको सरकारी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी और आपके कार्य करने से अगर विभाग संतुष्ट नहीं है तो आपको निकाल भी दिया जा सकता है, चाहे वो 1 महीने हो या 1 साल हो या 60 साल हो, इसमें आपको कभी भी निकाला जा सकता है। अब दोस्तों, आपको कार्य करने होंगे ना कि आप इधर उधर टाइम पास करेंगे। ऐसा अगर हुआ तो आपकी अगर कंप्लेन बिहार सरकार यानी कि बेल्ट्रॉन को अगर मिलती है तो आपकी नौकरी भी अब जा सकती है। और भी दोस्तों, अगर आप एक विभाग से दूसरे विभाग में नियुक्ति कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एग्रीमेंट कराना होगा, यानी कि जिस विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर आप काम कर रहे हैं वहाँ आवश्यकता नहीं होने पर दूसरे विभाग में आप रिक्तियों के विरुद्ध कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति हो सकेगी। उसके लिए दोस्तों आपको एग्रीमेंट करना होगा और नियुक्ति परीक्षा में आपको सफल भी होना होगा, उसके लिए आपको एग्ज़ाम भी लिए जाएंगे। पूर्व में जो कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य कर चुके हैं उन व्यक्तियों को भी वहाँ रखा जा सकता है। इतने सारे कठिन फैसले बिहार सरकार के द्वारा लिए गए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर और संविदा पर बहाल होंगे कर्मचारी उनके लिए। तो दोस्तों, आपको कुछ और जानकारियाँ दे देता हूँ, अगर आप नियमित होना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या प्रोसेस दी गई है बिहार सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, संविदा कर्मियों की नियुक्ति में 25 अंकों का ग्रेस और उम्र में छूट दी गई है। तो दोस्तों, ये जो 25 अंकों का क्या माजरा है उसके बारे में मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आपकी क्या प्रोसेस होगी। तो दोस्तों, अगर आप बिहार सरकार में
नियुक्ति पर काम कर रहे हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे या संविदा पर आप काम कर रहे हैं तो आपको वेटेज दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष अगर आप संतोषजनक कार्य करते हैं तो आपको अधिकतम 5 अंक सालाना दिया जाएगा। 5 अंकों को आप अधिक से अधिक यानी 25 अंकों तक जोड़ कर सकते हैं और इन 25 अंकों के द्वारा ही आपकी जो नियोजन है वो नियमित हो सकेगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको विभाग को और जिस विभाग में आप काम कर रहे हैं उस विभाग को आपको संतुष्ट करना होगा आपके काम के से। काम जो आप कर रहे हैं जिस विभाग में उस विभाग से आपके अधिकारी और आपके विभाग को संतुष्टि होनी चाहिए तभी जाकर आपको प्रत्येक वर्ष में 5 अंक दिए जाएंगे और आप अधिकतम से अधिकतम 5 अंकों से 25 अंक अगर आप इकट्ठित कर लेते हैं तो आपकी नियमित जो करने की प्रक्रिया है उसमें आपकी भागीदारी आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो दोस्तों प्रत्येक पद पर पहले से तैनात जो कार्यरत हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा यानी कि जिस पद पर आप पहले से तैनात हैं उसी पद के लिए आपको लाभ मिलेगा यानी कि आप जिस पद पे के लिए काम कर रहे हैं उसी पद के लिए ही आपको लाभ मिलेगा अन्यथा किसी और पद पे आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। नियुक्ति में निर्धारित मानकों और आरक्षण रोस्टरों का पालन अनिवार्य होगा और गोद लेने वाली महिला कर्मी को भी मिलेगा अवकाश। और दोस्तों जो हमारे मित्र हैं जो हैंडीकैप हैं उन्हें सरकारी नौकरी में 4% शैक्षिक संस्थाओं में और 5% आरक्षण दिया जाएगा। संविदा कर्मी की मौत होने पर यानी कार्यकाल में मौत होने पर उन्हें 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ये अब बिहार सरकार के द्वारा ये सारे फैसले लिए गए हैं। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बेल्ट्रॉन की नियुक्ति थानों में भी कराई जा रही है यानी पुलिस स्टेशनों में भी कराई जा रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों अप्रैल से सभी थानों में आप ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे। तो दोस्तों बेल्ट्रॉन के द्वारा जो ज्वाइनिंग कराई जा रही है थानों में वो अब इस प्रोसेस पे काम करेंगे। जिनकी ज्वाइनिंग CCTNS में हुई है उनका काम अब यहाँ पे मिलेगा। और दोस्तों CCTNS में काम जल्द से जल्द पूरा होने वाला है उसके बाद इस पोर्टल को लॉन्च कर दिया जाएगा और लॉन्च होते ही पेल्ट्रॉन के द्वारा जो अभ्यर्थियों की यहाँ ज्वाइनिंग हुई है वो इस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हैं जो बेल्ट्रॉन और बिहार सरकार के द्वारा संविदा कर्मियों की नियुक्ति और काम करने के दौरान में बदलाव लिए गए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और भी अगर किसी भी चीज़ की सहायता की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें।